एक बार फटाफट से ये भी समझ लेते हैं कि आज चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन अभी तक जितने भी एग्जिट पोल हमने समझे उसमें से 5 में से 3 पोल ऐसे कहते हैं कि 200 के ऊपर आंकड़ा आ सकता है। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी तो ये कह सकते हैं, अभी तो पहली झांकी है, नंबर आना बाकी है। निश्चित रूप से डिम्पी, और सीधे तौर पे देखिए 2014 में हमने देखा था बीजेपी के लहर ने सुनामी देखने को मिली थी, और 2.5 साल के बाद वापस ये कहा जा रहा है कि मिनी लोकसभा चुनाव है। इसमें भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से लग रहा है कि सुनामी है, लहर ने सुनामी देखने को मिली जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। और ये आंकड़े अगर नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो निश्चित रूप से बाजार इसको जो है सलामी देगा, और 10,000 जैसी बातें जो हो रही है वो ज़्यादा आसानी से पूरा होता है। देखिएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों को देखें, जो एग्जिट पोल के आंकड़े जो निकल के आए हैं वो बेहद ही बीजेपी के पक्ष में है। 221 का सीट माना जा रहा है कि 221 सीटें जो है बीजेपी की झोली में आएंगे, जबकि एसपी के हिस्से केवल 117 और बीएसपी के हिस्से 57 आएंगे। तो कल जो अखिलेश जी ने बयान दिया है कि वो एसपी के साथ बीएसपी के साथ जा सकते हैं, उसके अब कोई मायने ही नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर दोनों मिल भी जाएंगे तो 174 के आसपास आंकड़ा पहुंचेगा, और जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए 200 से ऊपर का। तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं। अब पंजाब का आंकड़ा देखिए, पंजाब के चुनाव पे हालांकि डिम्पी आपकी भी कड़ी नजर रहती है, हमेशा पैनी नजर रहती है, और यहां पे जो है बेहद कांटे की टक्कर हुई। पहली बार आम आदमी पार्टी इस चुनाव में उतरी है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही सबसे ज्यादा मुकाबला देखने को मिला। अकाली दल जो बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है, उनका परफॉर्मेंस बेहद खराब, सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अब आम आदमी पार्टी को करीब माना जा रहा है 55 या कांग्रेस को 52, यानी कि दोनों में से कोई एक पार्टी जो है अच्छे खासे मेजोरिटी के साथ सरकार बना सकती है इस चुनाव में। पंजाब जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, बीजेपी आसानी से सरकार बना रही है। 70 सीटों में 45 सीटें जो हैं बीजेपी की झोली में आ रही है, जबकि कांग्रेस जिनकी सरकार थी उनको केवल 21 सीटें मिल रही है, अदर्स के हिस्से में 4 आ रहा है, यानी कि 2 स्टेट में बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से अब तक बन रही है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। गोवा देखिए, गोवा में हमने देखा है कि लगातार जो है बीजेपी का शासन रहा है, और वहां भी प्रदर्शन इस बार कमोबेश बेहतर देखने को मिला। एंटी इनकंपेंसी जैसी कोई चीज नहीं है, बीजेपी को 18 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस को 12, आम आदमी पार्टी पहली बार उतर रही है 3 सीटें वो भी लाने में सक्षम हो रही है, टोटल सीट जो है 40, उसमें से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सरकार बनाने की स्थिति में है। तो 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार बन रही है। जो आंकड़े सामने अलग अलग जो सर्वे हैं उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सर्वे जो है चाणक्य का है, टुडेज चाणक्य ने 285 सीटें बीजेपी को दी है, और ये आंकड़ा बताता है कि अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे चुनाव में कन्वर्ट होते हैं, एक्चुअल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, तो निश्चित रूप से जो लास्ट के फेजों में जो कैंपेन किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, माना जा रहा है कि 5th, 6th और 7th के जो कैंप वोटिंग चरण थे उसमें जो है बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, और उसी की वजह से 285 तक का आंकड़ा छूते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल देखिए, बीजेपी को 221 सीटें आएंगी, 117 एसपी प्लस को आएंगी, यानी कि एसपी और कांग्रेस गठबंधन को, बीएसपी को 57 है, यानी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से चले तो सरकार बना रही है, और अच्छे खासे मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। ठीक है, तो यानी कि पहाड़ से लेकर समंदर तक भाजपा ही है और ये दिख रही है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि फागुन में तो कमल खिलता नहीं है, लेकिन ये आंकड़े जब आएंगे तब पता लग जाएगा कि फागुन में कमल खिलता है या फिर नहीं खिलता, लेकिन आंकड़े अभी तक ये कह रही हैं कि एक मोमेंटम रहेगा। लेकिन जब कल एग्जिट पोल आ रहे थे तो एक सनसनीखेज इंटरव्यू भी आया, वो सनसनीखेज इंटरव्यू अखिलेश यादव की तरफ था जो कि बीबीसी को दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि सपा और बसपा कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन बयान सुनने के बाद लगा कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि देश बदल रहा है। आइए सुनते अखिलेश ने क्या कहा था इस बदलते हुए देश में। हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें, ये बात अभी कहना मुश्किल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है, बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है। परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। तो ये राजनीति है और राजनीति में ऐसा ही होता है, और ये तो क्लियर है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
वो चाहती नहीं है कि बीजेपी सत्ता बनाए, क्योंकि इस तरह की भी खबरें रही हैं। जब कल अखिलेश का इंटरव्यू आया उसके बाद इस तरह के इंडिकेशंस मिली कि ममता बनर्जी ने भी स्पेशली कॉल करके कहा है कि सपा और साथ ही साथ बीएसपी साथ आ जाए।